Learning with Earning, world's first live freelancers training portal, providing online top-rated trainers with exclusive live sessions on freelancing skills in Pakistan, USA, and Canada. Let's learn and earn from your home. जी, ये इस तरह से आप सबके पास ये खुल रहा है। सबसे पहले आपके पास इसमें सोर्स आ रहा होगा। टॉप लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर जो इसके चार फेज हैं, 1, 2, 3 एंड 4, ये फेज पहले जो है वो स्टडी करना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो ये इसको हम राइट क्लिक करेंगे और यहां पर हम इसको न्यू सीक्वेंस हम देंगे, जो कि हमने लास्ट, मैंने आपको एक थ्योरिकली बात बताई थी इसकी के सम कैनवस साइज इसके अंदर देखते हैं, तो वो हम यहीं से देखना शुरू करेंगे जब हम न्यू सीक्वेंस करेंगे। इस तरह से इसमें कुछ भी नजर नहीं आएगा, ठीक है। मैं आज आपको इसका प्रोजेक्ट जो है, ये विंडो, ये मैं इसके बारे में पढ़ाऊंगा जिसके ऊपर मैं माउस सर्कुलेट कर रहा हूँ, ये आप देखें। ये विंडो अभी हम सिर्फ स्टडी करेंगे इसकी, फिर हम बाकियों की तरफ आएंगे। तो ये राइट क्लिक करने से आप सबसे पहले अपना कैनवस देते हैं इसको, बेसिकली सीक्वेंस के नाम से यहाँ ये बनाएगा आपका पेज, आपकी टाइमलाइन कह लें इसको। तो ये फॉर्मेट्स कुछ मेरे पास आ रही हैं। मैं भी आप सबकी तरह आज डीवी पाल के अंदर काम करता हूं ताकि आपको भी नजर आए, ठीक है। ये मैंने फाइल नेम दे दिया था वहीं पर ही अपना। तो इस तरह से ये आप अपना सीक्वेंस जो है वो इसको बना लेते हो। जी, ये चैट के ऊपर आप अपनी गुफ्तगू कर रहे हैं या मेरी तरफ ध्यान दे रहे हैं, अभी क्या चल रहा है ये रूम में, मुझे ये तो बताइए जरा। मती साहब आप ध्यान दीजिए, जब चैट के ऊपर जब मैं कुछ कहूं तो आप उसके ऊपर क्या आपस में आप गुफ्तगू भी ना करें चैट में। जी सर, तो यहां से हम इसको शुरू करेंगे और ये मैंने डीवी की अपनी एक टाइमलाइन बनाई है। डीवी फ्रेम साइज है इसका 720x576। ये एक बार फिर मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ। न्यू आइटम्स के अंदर हम यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और न्यू आइटम्स का ब्लॉक आएगा, इसके अंदर हम सीक्वेंस की ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। और ये आप, क्योंकि सबके पास डीवी चल रहा है तो बेहतर है, इधर मैं भी डीवी के ऊपर आपको दिखा रहा हूँ। ये इसमें हमें बता रहा है कि पाल डीवी फॉर्मेट है हमारा, 25 फ्रेम पर सेकेंड है, 720x576 इसकी रेजोल्यूशन है, फ्रेम साइज है इसका, और ये बाकी इसके नीचे वही आ गया है। तो ये इस तरह से हमारी जो चीज है वो हमें चाहिए, ये हमने अपनी मर्जी की, जो भी हमने, क्लाइंट हमें कहता है एचडी चाहिए तो आप इसको एचडी के अंदर आ से ये एचडी में आके आप उसका फॉर्मेट शुरू करेंगे, क्योंकि उसको क्लाइंट को अगर एचडी रिक्वायर्ड है। अगर आपको डीवीडी के लिए काम कर रहे हैं तो आप डीवीडी के लिए यूज करेंगे पाल डीवी यूज कर लें, क्योंकि मैक्सिमम डीवीडी के अंदर 720x576 का जो फ्रेम साइज है वो जाता है। तो इसको हम ओके करते हैं फिल वक्त। तो ये चीज आ गई है, ये हमारी टाइमलाइन है, ये जो आप माउस से आप देख रहे हैं इसको स्क्रॉल होते हुए, ये हमारी टाइमलाइन है। ये V1, V2, V3 ये हमारी वीडियो लेयर्स हैं। इसको आप माउस के स्क्रॉल से जूम भी कर सकते हैं और जूम बैक भी कर सकते हैं। शिफ्ट दबा के करेंगे तो ये सारी इकट्ठी जूम होंगी वीडियो की, ऑडियो पे करेंगे नहीं, नीचे ऑडियो की लेयर नहीं, ये ऑडियो की जूम होंगी। तो ये इसका छोटा सा कंट्रोल है, ये आपको मेमोराइज रखना पड़ेगा इसकी शॉर्ट्स की, ताकि हैंडलिंग इसकी आपके लिए इजी बने। तो ये टाइमलाइन है जी, इसके ऊपर यहाँ पे ये हमारा टाइम कोड चल रहा है, ये टाइम 12 है हमारी। इस टाइमलाइन का जो भी आप देख रहे हैं ये मूव कर रहा है, ये वहां पर टाइम शो हो रहा है इसका, ये टाइम है हमारा, ठीक है। और ये हमारी प्रोजेक्ट विंडो है, बैक हम इस पे आ रहे हैं क्योंकि ये इसलिए मैं अभी टाइमलाइन पे गया हूं ताकि ये एक सीक्वेंस, क्योंकि टाइमलाइन होती है बेसिकली आपका, तो ये क्या बना है ये आपको दिखाने के लिए मैं यहां आया हूं। तो बैक टू प्रोजेक्ट विंडो, राइट क्लिक कर रहा हूं दोबारा मैं, आप इसको देखिए इसके अंदर न्यू आइटम्स में और क्या क्या इसमें ऑप्शन आ रही है। न्यू बिन है, न्यू बिन का मतलब है न्यू फोल्डर इसमें बन जाएगा, ये न्यू फोल्डर क्रिएट हो गया। आप अपनी जरूरी चीजें जो इंपोर्ट कर रहे हैं सीक्वल, उसको रखने के लिए कि ये कहाँ पे लगानी है, उसको फाइल नेम देके आप इस तरह से आप प्रोजेक्ट को मैनेज कर रहे होते हैं यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट को, ठीक है। तो ये राइट क्लिक करें, न्यू बिन की ऑप्शन है जो कि जस्ट न्यू फोल्डर बनाएगा आपके इस जगह पर,
न्यू सर्च बिन की है वो आप इसको बना लेंगे, ये आपका सर्च इसमें खुल जाएगा, ये सर्च बिन है। कोई चीज आपका बहुत ज्यादा डाटा इंपोर्ट हुआ हो तो आपको ढूंढना मुश्किल हो तो यहाँ पर आप इसी विंडो की हद में ये सर्च करता है इसको, तो ये एक सर्च इंजन इसका है छोटा सा। और दोबारा मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ तो बेसिकली हम लोग यहाँ न्यू आइटम्स के अंदर ही हम लोग जाएंगे, क्योंकि मोस्टली ये चीजें आपके इस्तेमाल हो रही होंगी। ये जो ऑप्शंस हैं इसमें सबसे पहले हमने सीक्वेंस बनाया, उसके बाद यहाँ पे एक ऑफलाइन फाइल लिखी है, ये मैं आगे चल के आपको बताऊंगा ये ऑफलाइन फाइल किस तरीके से इस्तेमाल होती है, बहुत एडवांस लेवल में इसका इस्तेमाल है। उसके बाद एडजस्टमेंट लेयर है, ये भी बेसिकली ये सब चीजें जो भी यहाँ आप बनाएंगे ये सब कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि यहाँ आपको नजर आ जाएंगी। ये मैं ओके करता हूँ, आप देखें ये कुछ ना कुछ यहाँ पे बढ़ता जा रहा है, ये हर चीज ये यहाँ पे हमें हमारे प्रोजेक्ट विंडो में हमें मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ आप इम्पोर्ट करके ले आए, ये इम्पोर्ट की भी ऑप्शन है इसमें, कोई आपने अपनी फाइल लेके आनी है, जेपेग फॉर्मेट इसमें चलती है, पीएनजी चलती है, टीजीए चलती है, ग्राफिक्स की मैक्सिमम फॉर्मेट इसमें सपोर्टेड है ये सॉफ्टवेयर, तो इसमें कुछ भी है, पीएसडी उठा लें आप, कुछ भी इसमें इंपोर्ट कर लें ये हो जाता होता है इसमें। टेक्स्ट फाइल के अलावा ग्राफिक्स की फाइल और वीडियो की फाइल, वीडियो की फाइल इंपोर्ट होगी जितने कोडेक आपके सिस्टम में इंस्टॉल्ड होंगे, अगर क्विक टाइम का कोडेक इंस्टॉल्ड है तो क्विक टाइम की भी इंपोर्ट हो जाएगी। H.265 अभी मार्केट में लेटेस्ट वीआर के लिए कोडेक आ रहा है, वीआर गेमिंग वीआर 360 वीडियोस के लिए, तो उसके लिए आपको वीआर का कोडेक इंस्टॉल विंडो में करना पड़ेगा, जिस वजह से आपके यहाँ वीआर की भी इंपोर्ट्स हो जाएंगी फिर फाइल। तो इस तरह की जो भी इंपोर्ट है वो आप यहाँ पे करोगे, मतलब कि आपने अपनी वीडियो में जो भी लगाना है वो आपने यहाँ पर सबसे पहले इंपोर्ट करके रखेंगे और उसके बाद आप यहाँ से आप लेके आएंगे टाइमलाइन में। तो ये मैं राइट क्लिक करके दोबारा जा रहा हूं और मैं यहाँ पर इंपोर्ट की ऑप्शन में जाऊंगा, ये इसकी फर्दर चीजें जो मैं आपको आगे चल के आज ही बताऊंगा, लेकिन अभी मैं इंपोर्ट में जाता हूं जस्ट टू इंपोर्ट समथिंग एल्स। तो ये मैंने 14 अगस्त भी गुजरी है तो ले पाकिस्तान का झंडा ही मैंने नजर आ गया, तो ये मैं पाकिस्तान के झंडा है, दूसरा झंडा भी उठा लिया, ये मैं इंपोर्ट कर लिया, ये दोनों पीएनजी फॉर्मेट्स हैं, ये डॉट जो डॉट से आगे जो आ रहा है ये फॉर्मेट आ रही होती है, फाइल एक्सटेंशन आ रही है बेसिकली, तो ये पीएनजी फॉर्मेट है ठीक है। इसमें हम इसको उठाते हैं और इसके बाद इसको टाइमलाइन पे रख लेते हैं, एक इसका ये तरीका है ड्रैग करके, गौर से देखिएगा ये टाइमलाइन पे काम होना शुरू हो गया होगा। तो ये टाइमलाइन पे इस तरह से ये इंपोर्ट होती है, ये आप देख रहे हैं जैसी टाइमलाइन पे आई है ये वहां पे ऊपर शो होने लग गई है। दूसरी को भी मैं ड्रैग करके ले आता हूं, ये जहां जिस जगह पर मैंने रखना चाह रहा हूं ये ऊपर टाइम चल रहा है, आप देख रहे हैं टाइम आ रहा है। और अगर आप इसके इस तरफ देखिएगा, इस टाइम कोड की तरफ अगर आप देखें तो मेरे कर्सल मूव करने से ये टाइम कोड भी मूव हो रहा है, ये देखिए आप, ये मैं जहां रोकूंगा ये टाइम कोड बदल रहा है, तो ये कुछ इसके कंट्रोल हैं, ये देखें यहां पे भी टाइम कोड बदल रहा है, ये आप अगर गौर करें तो ये चीज है, ये देखिए ये वीडियो की जो लेयर, वीडियो की जो भी चीज हम इंपोर्ट करेंगे वो वीडियो की लेयर में हमने डालनी है, और जो ऑडियो की इंपोर्ट करेंगे वो ऑडियो की लेयर में हमने डालनी है। ये तीन लेयरें जो कि जूम होती है माउस के कर्सल से, माउस दबा के आप शिफ्ट से करेंगे तो सारी जूम हो जाएंगी, मैं थोड़ी सी जूम कर देता हूं ताकि आपको नजर अच्छा आ जाए। तो ये हमारी लेयर है जी V1, V2, V3, इसका मतलब है V1, V2, V3 लेयर। ये लेयर बढ़ भी जाती हैं अनलिमिटेड, इसके लेयर आप इसमें इंसर्ट कर सकते हैं, लेयर कम कर सकते हैं, जरूरत जितनी है उतनी रखें, तो इसका बर्डन भी नहीं होता, अगर पड़ी भी रहे तो कुछ नहीं है, ये इस तरह फॉर्मेटिकली पड़ी भी होती है, रैम पे भारी नहीं होती है। तो इसको जिस तरह से मर्जी आप इस्तेमाल करें, ये वीडियो की लेयर्स हैं, ये हमारी A1, A2, A3 ये ऑडियो की लेयर्स हैं, और उसके नीचे एक लेयर आ रही है हमारी मास्टर, ये बेसिकली मास्टर ऑडियो की लेयर है जो कि इन तमाम लेयर्स के अंदर से ऑडियो को कंपाइल करके हमें यहां पर मास्टर लेयर पे भी दिखा रही होती है, ये एक मास्टर लेयर है, ये ऑडियो की लेयर है, ये भी ऑडियो की लेयर है, ये तीन ऑडियो की लेयर्स हैं, और इस डबल लाइन से ऊपर V1, V2, V3 ये वीडियो की लेयर है ठीक है जी। तो इस तरीके से इंपोर्ट होती है, आप भी अपने सॉफ्टवेयर में बेशक राइट क्लिक करके इंपोर्ट करें कुछ भी फाइल, कोई फोटो अपनी, कोई वीडियो की कोई फाइल पड़ी है, कोई फिल्म मत इंपोर्ट कीजिएगा, बहुत बड़ी फाइलें अभी इंपोर्ट मत करें, आपके सिस्टम हैंग ना हो जाए, इसकी छोटी छोटी फाइलें इंपोर्ट करें। तो इस तरीके से मैंने ये इंपोर्ट किया, अभी आपके सामने दोबारा इंपोर्ट करता हूँ, आप डबल क्लिक करके भी इसको इंपोर्ट खोल सकते हैं इंपोर्ट का डायरेक्ट, ये भी इसकी एक शॉर्ट की है, या फिर आप राइट क्लिक करके इंपोर्ट आ जाए तो यहाँ पे भी आप जा सकते हैं।
तो ये मैं फिल वक्त पाकिस्तान के दो फ्लैग्स हैं, ये मैं अपनी इंपोर्ट करता हूँ, ये क्योंकि वीडियो की ग्राफिक्स फाइल्स हैं, ये पीएनजी फॉर्मेट है, इसलिए इसको मैं वीडियो वन में रखूंगा, चाहे वीडियो टू में रख दूं लेकिन वीडियो में रखूंगा। और एक टाइम कोड आ रहा है, अगर आप यहाँ पे देखिएगा तो जहां पे मैं लेके जाऊंगा वहां पे ऊपर टाइम कोड आ रहा है। अगर मैं देखना चाहता हूँ कि मैं इसको जी एक मिनट के लगभग रख दूं तो ये एक मिनट, ये आप देखिए ऊपर, ये एक मिनट के ऊपर मैंने इसको रख दिया, ये एक मिनट पे रख चुका हूं मैं, ये छोड़ देंगे, ये एक मिनट के ऊपर फाइल आ गई है, ये अब आप देखें एक मिनट के ऊपर ये हमें नजर आने लग गई है। तो ये आपका बेसिकली वीडियो का कैनवस है, ये सारा, ये जो आपका वर्क एरिया, ये सारा वीडियो का कैनवस है। यहां पर जो चीज आप रखेंगे वो आपको इस विंडो में शो होगी, ये आपकी डीवी का फ्रेम साइज के मुताबिक, एक्सपेक्ट रेशो के मुताबिक ये आपको शो कर रही है। इस टाइम हमारा झंडा सही शो नहीं हो रहा, तो ये होता है अमूमन इसमें कि हमारी जो फ्रेम साइज है उससे बड़ी शायद हमारी है, हमारी ग्राफिक्स फाइल है। तो इस चीज के इशू को हम सबसे पहले रिजोल्व करेंगे, हम राइट क्लिक करेंगे और यहां पर एक ऑप्शन आती है स्केल टू फ्रेम साइज, इसको करेंगे तो ये इसका मतलब है कि ये इस फ्रेम साइज के मुताबिक इसको फिट कर देगी, जिस तरीके से भी ये फिट हो सकी, तो ये इसको ये फिट होगी। आप देखिए ये फिट होने से इसके ऊपर भी स्पेस निकला है और नीचे भी निकला है, इसका मतलब वो चीजें अभी ब्लैंक है, ये कोई स्कोप नहीं दिया मैंने, लेकिन वो क्योंकि रखा ही अभी इतना है मैंने इसको, तो इसलिए वो यहां इस तरह से फिट होगी। अभी उसने इसकी पूरी डायमेंशन पर इसको हर तरफ से मैक्सिमम इसको दिखाने की कोशिश की है, तो वो पूरे तरीके से इस पे आ गई है स्केल पे 720x576, ये फ्रेम रेजोल्यूशन है हमारा। तो इस तरीके से ये मैं दूसरी फाइल भी इसमें रख लेता हूँ, ये मैं स्टार्ट में रख लेता हूँ, एक मिनट पे नहीं रखता। ये प्लस माइनस करने से टाइमलाइन का आपका जूम बैक और जूम इन होता है, सिंपल जो कीबोर्ड के ऊपर आपको बैक स्पेस के साथ जो प्लस माइनस दिख रहे हैं उनसे टाइमलाइन पे क्लिक करेंगे, क्लिक के बगैर नहीं होगा, टाइमलाइन को सिलेक्शन करके, ये एक ब्लू लाइन आ रही है ये इसकी सिलेक्शन है, ये सिलेक्शन ऊपर वाला हमारा सोर्स मॉनिटर सिलेक्शन हो गया, ये हमारा प्रोग्राम मॉनिटर जो कि इसी टाइमलाइन का प्रीव्यू मॉनिटर है, प्रोग्राम मॉनिटर जो है ये बेसिकली ये इससे सिलेक्ट हो गया, ये हम प्रोजेक्ट विंडो की सिलेक्शन में आ गए हैं, ये हम टाइमलाइन की सिलेक्शन में है, ये जो हाईलाइटेड बार आ रही है ये बेसिकली शो करती है कि आप कहां सिलेक्ट आपने किया हुआ है। तो इस तरीके से इसको सिलेक्ट करके आप प्लस और माइनस करेंगे तो ये जूम बड़ी, ये बड़ी आपको देख रहे हो, पर टाइम का फॉर्मेट आप देखें कैसा आ रहा है, अभी 15 सेकंड पे शो हो रहा है ये टाइम, अब प्लस कर रहा हूं मैं तो 45, अब ये 5-5 सेकंड पे शो हो रहा है, मजीद प्लस कर रहा हूं तो ये अब देखें ये भी 5-5 पे आया है, ये इस तरह से जूम होती जाएगी टाइमलाइन आपकी। ये रखूंगा जिस पे आपने जूम करना है, आप उसको कर्सल को वहां लाएंगे और प्लस करेंगे तो ये जूम हो गया आपके सामने। अब ये वही इसकी ये कितनी ड्यूरेशन के लिए आती है बाय डिफॉल्ट, ये आप यहाँ पर राइट क्लिक करके भी देख सकते हैं कि इसकी ड्यूरेशन क्या, ये जो चीज आ गई है अपने आप कितनी इस लेंथ की है, ठीक है। तो इसको अब आप देखने के लिए राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पे स्पीड एंड ड्यूरेशन का एक ऑप्शन है, क्लिप के ऊपर राइट क्लिक करने से, इधर उधर नहीं करना, क्लिप को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करें आप, तो इस तरीके से आप देखेंगे स्पीड एंड ड्यूरेशन का है। इसका जो बाय डिफॉल्ट स्पीड आती है वो आ रही है 5 सेकंड्स के लिए, ये इसकी सेटिंग्स हैं प्रीमियर की अपनी, ये आप इसको 2 सेकंड पे भी सेट कर सकते हैं, 1 सेकंड पे भी कर सकते हैं, अभी बाय डिफॉल्ट ये सबके पास 5 या 6 सेकंड स्टैंडर्ड टाइम है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम है किसी टाइटल का, टाइटल या कोई भी लोगो प्रेजेंट होता है या कोई भी आप इंटरव्यू के नीचे जो आते हैं थोड़ी देर के लिए वो गायब हो जाते हैं, तो वो बेसिकली स्टैंडर्ड टाइम 6 सेकंड चल रहा है, वो 6 सेकंड के लिए आते हैं और 6 सेकंड में गायब होना होता है उन्होंने। तो ये इस तरीके से आप चीज की ड्यूरेशन यूं भी देख सकते हैं कि ये कुल कितनी लेंथ का है टाइमलाइन पर, तो इस टाइम पर ये पहुंच जाएगा, ये हमारी वीडियो की टाइमलाइन है, ये जो वीडियो की टाइमलाइन है हमारी, ये हमारा क्लिप पहला आ जाता है कोई 39 सेकंड पे आ जाता है और दूसरा क्लिप हमने रखा है 1 मिनट के लग पे आ जाता है। तो इस टाइम अगर मैं वीडियो को सेव करूंगा तो मेरी वीडियो पूरी काली बनेगी और कोई 38 सेकंड के ऊपर आकर ये झंडा शो कर देगी, ये इस तरह से एप्लीकेबल हो रही होती है हमारी टाइमलाइन वीडियो के ऊपर, ये हमारी वीडियो है बेसिकली जो फाइनल हमें नजर आएगी वहां पे रेंडर होने के बाद। उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स आपको आज का टॉपिक भी समझ आया होगा, जो चीज़ें आपने समझी हैं वो नोट्स की फॉर्म में भी अवेलेबल हैं, मेक श्योर आप ये वीडियो को बार बार रिप्ले करें जब तक आपके जहनों में डाउट्स क्लियर नहीं हो जाते। अगर आपके जहनों में फिर भी कोई क्वेश्चन क्यूरीज या कोई प्रॉब्लम आपको दरपेश आ रहे तो आप गूगल और यूट्यूब भी यूज़ कर सकते हैं उसे सॉल्व करने के लिए, उसका सोल्यूशन निकालने के लिए। अगर उसके बाद भी आपकी प्रॉब्लम या आपकी डिफिकल्टी सॉल्व नहीं होती तो आप हमें लर्निंग विद अर्निंग के पेज पर भी इनबॉक्स कर सकते हैं, उसके अलावा आप हमारी ऑनलाइन सपोर्ट से भी रब्ता कर सकते हैं। मेक श्योर कि आपको एक टॉपिक क्लियर हो उसके बाद ही आप नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करें। आप हमारा ऑनलाइन
क्विज क्लियर करें, आप हमारा ऑनलाइन टेस्ट क्लियर करें, उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट अलॉट किया जाएगा, उसके बाद ही आप नेक्स्ट टॉपिक पे मूव कर सकते हैं। अल्लाह।